नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। उम्मीद के मुताबिक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने देश को मेडल दिला ही दिया। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। जोरदार मुकाबले में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हरा कर कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए बधाई दी है। वहीं झारखंड में भी भारतीय टीम के मेडल जीतने पर काफी उत्साह है और अब सारी नजरें भारतीय हॉकी महिला टीम पर है, जो कांस्य पदक के लिए ब्रिटेन से भिड़ेंगी। ओलंपिक में 41 साल का सूखा समाप्त। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रोमांचक जीत। जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। अब महिला हॉकी टीम पर टिकी निगाहें। ओलंपिक हॉकी में भारतीय टीम ने 41 साल के सूखे को समाप्त कर दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर 1980 के बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता। ओलंपिक इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यह तीसरा कांस्य पदक है। इससे पहले भारत ने आखिरी बार मॉस्को ओलंपिक में 1980 में फाइनल में जगह बनाई थी। पुरुष हॉकी टीम के मेडल जीतने से देश में खुशी की लहर है, वहीं झारखंड में भी इसे लेकर खासा उत्साह है। सिमडेगा के हॉकी खिलाड़ियों ने ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर भारतीय टीम की जीत पर खुशियां मनाई। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और कांस्य पदक जीती है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई और पूरे देशवासियों को बधाई कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी पुनः स्वर्णिम दिन में वापस आ गया है। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत के बाद महिला हॉकी टीम पर उम्मीद की नजरें टिकी हुई हैं, जो कांस्य पदक के लिए ब्रिटेन से भिड़ने वाली है। भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी शामिल है। इसकी वजह से पूरे झारखंड की नजर 6 अगस्त के मैच पर टिकी है। अनुभव तो यही रहा कि हम लोग का इंडिया टीम में लड़का लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, लड़की लोग भी अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही करते आए। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन ये मानेंगे हम, क्योंकि हमारा टीम मेंस हॉकी टीम 41 साल बाद आज मेडल हमें दिए हैं हिंदुस्तान को। इंडियन बॉयज़ टीम को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने 41 ईयर्स बाद मेडल के लिए हमने इंडिया को मेडल के दिलाए हैं। वहीं हॉकी ओलंपिक में इंडियन टीम की जीत की खुशी खूंटी में भी मनाई गई। यहाँ ढोल बजाकर और मिठाइयाँ बांटकर जश्न मनाया गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी जाके खेलूं और अंदर का इतना ज़्यादा जोश आ रहा था कि इस मैच के द्वारा हम भी मैदान में खुद चल जाते हैं, ऐसा लग रहा था। काफ़ी ये भारत देश के लिए खुशी की बात है। भारतवासियों को इस खुशी के लिए सबको धन्यवाद देते हैं कि सभी कोई इस खुशी जो 41 साल बाद हमें दोबारा मिला है, इसके लिए सबको गौरवान्वित होना चाहिए। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने ओलंपिक खेल में देश को प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जमशेदपुर में साइकिल रैली निकाली और लोगों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की अपील की। हमारे खिलाड़ियों ने देश की आशा और अनुरूप के तहत, और जीत और हार तो महत्वपूर्ण होते ही है, लेकिन जो ओलंपिक खेलने गए हैं खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करना भी देशवासियों का कर्तव्य बनता है। वहीं जमशेदपुर के साक्ची में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ने ढोल नगाड़ा बजाकर लोगों के बीच मिठाई बांटी और भारतीय हॉकी टीम की जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।